स्टिकर वीडियो बना। हाँ तो हम लोग आज आ गए हैं फिर से एक ब्लॉग बनाने, और बहुत दिन से कोई वीडियो आया नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, वेडिंग सीजन चल रहा था, तो चूंकि मैं वेडिंग शूट भी करता हूँ तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, और जो ब्लॉग पहले से पड़ा हुआ भी था तो वो भी एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो मैंने अब छोड़ दिया, उसको एडिट नहीं करूँगा, इसलिए सोचा कि कुछ नया आइडिया शूट किया जाए और कुछ ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों को कुछ बताया जाए। अभी तो बहुत ठंड का मौसम चल रहा है, देख सकते हैं मैंने जैकेट वगैरह पूरा पहन रखा है, और मौसम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ठंड कितना ज़्यादा है। तो अभी क्या हो चुका है कि देख सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह सब फॉग रहता है, तो फ़ोटो शूट करना थोड़ा मुश्किल रहता है आप सबके लिए, तो स्पेशली मैं फैशन शूट के ऊपर ब्लॉग बनाता हूँ, तो अभी जो मेरा मतलब कहना है कि जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो जैसा भी मौसम है, उसी मौसम में कुछ अच्छा फ़ोटो शूट करिए, उसी का यूज करिए। तो हम आज कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं, कुछ वैसा ही आपको दिखाएंगे कि कोहरा है, फॉग है बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, तो इसका यूज करके ही मतलब जो है कैसे एक अच्छा ब्लॉग शूट करें, कैसे एक अच्छा फ़ोटो शूट करें, सॉरी अच्छा रिजल्ट निकालें। तो देखिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे मैं शूट करता हूँ फ़ोटो और कैसे एडिटिंग वगैरह क्या क्या उसमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक है सर, थोड़ा नाम दिखाइए। ओह हो, रिच डैड पुअर डैड। ओह हो, हम लोग बुक लेके आए हैं शूट करने के लिए, फ़ोटो शूट। बुक तो काफ़ी अच्छा है नाम, लेकिन ऊपर से ही निकल जाता है सब कुछ, देख सकते हैं फॉग। आज डेट क्या है, आज 23 दिसंबर और ठंडी बढ़ गई है, तो देख सकते हैं फॉग ही फॉग है। हम लोग तो गांव के हैं तो ये सब नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा। अरे सर का चाहत रहे, बोलिए मेहमान क्या हुआ। तो बहुत खोजने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद, चूंकि हम लोग गांव में है, खेत ही खेत है, लेकिन हम लोग को चाहिए था कुछ इस टाइप का लोकेशन और जहाँ पे पहाड़ जैसा कुछ दिखे, मतलब पहाड़ जैसा दिखे नहीं, वो फोटो शूट करने के बाद वैसा लगे, तो मुझे ऐसा फील्ड जैसा चाहिए था तो हमको मिल नहीं रहा था, तो हम लोग भटकते भटकते आ गए हैं इधर बहुत दूर, तब जाके लोकेशन हम लोग को मिल गया है। और देखिए वहाँ पे आग वाग जलाया जा रहा है, तो देख सकते हैं अभी सेटिंग क्या होने वाला है कैमरा का और किस तरह से शूट करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे बीरबल का खिचड़ी पकाया जा रहा है, लकड़ी कहाँ दिख रहा है और आग कहाँ जलाया जा रहा है। हाँ तो ये हमारे महान वैज्ञानिक साहब डॉक्टर साहब, इधर देखिए थोड़ा अपना मुंह दिखाइए सर, मनहूस शक्ल दिखाइए अपना, काने पर मुंह दिखाइए। तो देख सकते हैं अभी आप लोगों को हम अपना दुख क्या बताएं, पिकनिक वाला फीलिंग आ रहा है लेकिन पिकनिक हो नहीं रहा है, देखिए सब जुगा रहा है। तो यहाँ पे आके याद आया तो लग रहा था कि चिकन वकन मुर्गा और एगो आया रहता तो हो जाता यहीं पे पार्टी शार्टी का जी, लेकिन काम गड़बड़ा गया, अब तो हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। ठंडा में गर्दा उड़ा रहा था, हो देखिए क्या कर रहा बन गए वीडियो। देख सकते हैं आग किस तरह से जला हुआ है, हमने सोचा भी नहीं था कि आग नहीं जलेगा, मतलब हमने सोचा था कि ये लकड़ी जो है जलेगा खूब और एकदम बिल्कुल भी धुआं वगैरह नहीं होगा, और आग का जो कलर होता है उसका जो इफेक्ट जाता है चेहरे पे थोड़ा सा रेड टाइप, तो वो चेहरे पे जाएगा तो मैं शूट कर लूँगा फ़ोटो, लेकिन मेरा सोचा चूँकि ये प्रैक्टिस नहीं था पहले से, जैसा मैंने देखा था वैसा सोचा भी था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए आइडिया यहाँ पर हम लोग आज फ्लॉप हो गया। तो कल हम दूसरा आग जलाने का कोई उपाय ढूंढेंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे आग जले अच्छे से, तब से हम फोटो शूट करेंगे, तब आप लोगों को दिखाएंगे। आज रहने देते हैं, सॉरी भाइयों माफ़ कर दीजिएगा प्लीज, आज मैं इस वीडियो को ऐसे ही पोस्ट करूंगा क्योंकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाए कुछ कुछ चीज़ का कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है शूट में। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर धूप निकल चुका है, काफ़ी धूप निकल चुका है,
फॉग भी हट गया है, और बुक वगैरह लेके आए थे हम लोग चादर वगैरह सब सूट करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ। तो चलिए अब देखिए, ये चश्मा दिखाओ, चश्मा ये वाला चश्मा लेके आया था, ये वाला चश्मा नहीं चाहिए, और वाइट वाला चाहिए। हीरा लाल के बाबू हैं, बाबू जी हीरा लाल के बाबू जी, ये देखिए आइडिया फ्लॉप हुआ, आप लोग इतने खुश लग रहे हैं क्यों? ये देखिए पूछता है भारत, इधर दिखाइए इधर, हेलो एक्सक्यूज मी, काला चश्मा नहीं चाहिए, वाइट वाइट चाहिए। तो हम लोग का थोड़ा सा आइडिया आज जो सोचे थे वो हुआ नहीं, क्योंकि आग हम लोग का जो आग जलाने वाले थे आग जला ही नहीं, आग जलते जलते तब तक धूप निकल गया, तो जो है फॉग जो है हटने लगा है, फॉग अब है नहीं तो उतना अच्छा हो नहीं पाएगा फोटोशूट जैसा सोच रखा था मैंने, तो इसलिए ये वीडियो मैं अगले दिन फॉग में आके कंटिन्यू करूँगा, और कल जो है मैं इसी आइडिया को अच्छे से शूट करूँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। धन्यवाद।